वेलकम टू फरीद एकेडमी। दिस इज माय टीचर मोहम्मद अब्दुल्लतीफ। आज हम देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th क्लास मैथ्स 2 चैप्टर 2 पाइथागोरस थ्योरम में प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो पेज नंबर 44 पे दिया हुआ है। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल। तो स्टार्ट करते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 3 रीड करता हूँ। इन ट्राइंगल आर एस टी एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें एस एंगल 90 डिग्री है, टी एंगल 30 है, तो ये 60 रहेगा, R 60 रहेगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल आर वॉट हम लिख लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। गिवन आपको क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल आर एस टी एंगल एस इज 90 डिग्री, एंगल एस इज 90 डिग्री, एंगल ऐसे लिख लेंगे इसको, एंगल एस इज 90 डिग्री, एंगल टी इज 30 डिग्री, देयरफॉर एंगल आर कितना, एंगल आर कितना होगा 60 डिग्री। रीजन लिखेंगे सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ये हमको पता है, इसलिए वो 60 डिग्री रहेगा। और हमको क्या गिवन है, आर टी गिवन है 12 सेंटीमीटर, और फाइंड करना है आर एस टू वाट एंड एस टी इज इक्वल टू वाट एंड एस टी इज इक्वल टू वाट। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। हम देखिए हमको 30, 60, 90 डिग्री प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे ट्राइंगल आर एस टी पर, और हम फाइंड करेंगे आर एस और एस टी। तो अप्लाई प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल। तो देयरफॉर प्रॉपर्टी क्या है कि एस आर, उसमें एस आर क्या है, साइड अपोजिट 30 डिग्री हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूस, 1/2 टाइम्स ऑफ टी आर। टी आर हमको टी आर और आर टी गिवन है यहाँ पर, इसी को हम आर टी भी लिख सकते हैं जैसे हमको दिया है बुक में। एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ 12 आ जाएगा, 2 × 2 = 6, 1 × 6 इज इक्वल टू 6। तो देयरफॉर एस आर की वैल्यू क्या हम लिए, 6 सेंटीमीटर। उसी तरह हम क्या अप्लाई करेंगे, सिमिलरली वही हम अप्लाई करेंगे एंगल प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60 और 90 डिग्री ट्राइंगल। सिमिलरली व्हाट इज टी एस ही फाइंड करना है ना, एस टी, एस टी इज √3/2 टाइम्स ऑफ, जो 60 डिग्री के अपोजिट का जो साइड होती है, 60 डिग्री एंगल के अपोजिट की साइड होती है, वो √3 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूस होती है। हाइपोटेन्यूस आपका है क्या, आर टी। तो √3 टाइम्स ऑफ आर टी इज 12, 2 × 2 = 6, तो √3 × 6 उसी को हम क्या लिख सकते हैं, 6√3। सो देयरफॉर एस टी इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, यही हमको फाइंड करना था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मैं रीड करता हूँ स्टेटमेंट। फाइंड द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 6 सेंटीमीटर। हमको डायगोनल फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है एल एम एन ओ एक रेक्टेंगल जिसमें ओ एन और एल एम की साइड कितनी, एल एम जो लेंथ है ये कितना है, 16 सेंटीमीटर है, एंड एरिया इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया जो दिया हुआ है रेक्टेंगल का वो 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमको डायगोनल फाइंड करना है, एल एन और ओ एम दो में से कोई एक डायगोनल हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम ट्राइंगल इसमें अगर हम डायगोनल और ये दो साइड कंसिडर करेंगे लेंथ और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, तो एल एन एल ओ एन ये एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा। तो हम यहाँ पर इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल और पाइथागोरस थ्योरम से हम ये अप्लाई करके हम डायगोनल फाइंड करेंगे। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। गिवन क्या है, हमको कैपिटल लेटर एल एम एन ओ इज अ रेक्टेंगल, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम यहाँ पर ओ से काम चला रहे हैं, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। हमको ओ हम लेना है, हमको हम यहाँ पर ट्रायंगल एल ओ एन कंसिडर करें, तो हम यहाँ पर सिर्फ ओ एंगल ओ ही लिखेंगे, मेंशन करेंगे यहाँ पर, बट ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। सभी एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं।
रेक्टेंगल में, प्रॉपर्टी है ये रेक्टेंगल की। और हमको यहाँ पर लेंथ दी हुई है, लेंथ है आपकी 16 है, यहाँ पर 16 सेंटीमीटर है। देयरफॉर ओ एन इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर लेंथ गिवन है आपको, और ब्रेथ नहीं है। और आपको हमको यहाँ पर फाइंड करना एरिया, एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल एम एन ओ इज इक्वल टू 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। और आपको फाइंड क्या करना है, एल एन फाइंड करना है यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पर पहले हमको चाहिए ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल में हमको लेंथ ही दी हुई है और एरिया दी हुई है, ब्रेथ फाइंड करेंगे, फिर हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे इस पर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ क्या है आपकी ओ एन और ब्रेथ क्या है आपकी एल ओ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको दिया हुआ है यहाँ पर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 192 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू ओ एन है आपका 16 और एल ओ आफ्टर रीअरेंजिंग द टर्म्स वी आर गेटिंग 192 डिवाइडेड बाय 16, 16 वन ज़ा 16 वन ज़ा रिमाइंडर है, रिमाइंडर है 3 और यहाँ पर 2 आ जाएगा, 16 टू ज़ा। तो देयर फॉर एल ओ की वैल्यू कितनी आएगी, 12 सेंटीमीटर। एल ओ हमको मिल गया है, ये है आपका 12 सेंटीमीटर। अब हम इन ट्राइंगल एल ओ एन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस का। पाइथागोरस का थ्योरम क्या बोलता है कि एल एन स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू परपेंडिकुलर साइड्स। सो एल ओ स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर, एल एन स्क्वायर आपका क्या है, एल ओ है 12 स्क्वायर और ओ एन है आपका 16 स्क्वायर। 12 12 जा और 16 16 जा, 12 12 जा 144 और 16 16 जा आपका आता है, देखिए 16 का स्क्वायर है 256 आई थिंक, देखिए मल्टीप्लाई करके देख लें, 6 जेड सेटर जिस 3 कैरी 3 9 और 6 एंड 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 5 वन कैरियर 256। तो एल एन स्क्वायर इज इक्वल टू 145 प्लस 256 आ जाएगा आपको 400। 400 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 20 स्क्वायर। तो आपका एल एन हो गया, एल एन स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्क्वायर रूट लेंगे, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हमको क्या मिलेगा, अंडर रूट एल एन स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 20, तो एल एन स्क्वायर निकल जाएगा, तो एल एन इज इक्वल टू 20, प्लस माइनस 20 आएगा, हम यहाँ पर सिर्फ प्लस लेंगे। तो इस तरह हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट होता है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है आपको, रीड करता हूँ क्वेश्चन में, फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड एंड पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज हाइट इज रूट 3। तो गिवन हमको क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है और एंगल बी कितना है हमारा यहाँ पर 60 डिग्री, और एंगल ए डी बी ये है 90 डिग्री और एंगल डी ए बी ये है 30 डिग्री। हम प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60 और 90 डिग्री ट्रायंगल अप्लाई करेंगे और फॉर्म बाद में हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड करने के लिए फार्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हम अप्लाई करेंगे और वहाँ से पेरीमीटर फाइंड करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का, पहले साइड फाइंड करेंगे ए बी। तो हमको क्या फाइंड करना है, ए बी इज इक्वल टू व्हाट। तो स्टार्ट करते हैं, अप्लाई प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल ऑन
ट्रायंगल एबीसी, एबीसी पे हमको ये अप्लाई करना है, ट्रायंगल एबीडी पे अप्लाई करेंगे हम, एबीडी हाइट दी हुई है हमको, वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, एडी इज इक्वल्स टू रूट 3 सेंटीमीटर। तो हमको पता है कि जो 30 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो हाफ ऑफ, यहाँ पे देखिए 30 डिग्री से हम 60 डिग्री ले लेंगे, 60 डिग्री अपोजिट जो होती है वो रूट 3 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूस होती है, तो एडी इज इक्वल्स टू रूट 3 बाई 2 टाइम्स ऑफ एबी। अब यहाँ पे देखिए एडी की वैल्यू हमको पता है, ए बी फाइंड करना है, तो ए डी इंटू 2/√3 इज इक्वल्स टू ए बी, आफ्टर री अरेंजिंग द टर्म्स ए बी इज इक्वल्स टू 2/√3 टाइम्स ऑफ ए डी इंटू ए डी, और 2/√3 और ए डी की वैल्यू है √3 कैंसिल 2 सेंटीमीटर, तो ए बी की वैल्यू देयरफॉर ए बी के आ गया आपका 2 सेंटीमीटर। ये चाहिए था हमको साइड ऑफ ये है साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और हमको पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 टाइम्स साइड भी लिख सकते हैं, 3 टाइम्स साइड ही लिखेंगे, ए भी लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ 3 टाइम्स साइड, साइड है आपको 2, तो 2+2+2 कितना होगा 6 सेंटीमीटर। तो आंसर लिख लेते हैं हम यहाँ पर, फाइंड द लेंथ ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 2 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर। इस तरह हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन में रीड करता हूँ, इन ट्रायंगल एबीसी सेगमेंट एपी इज अ मीडियन, सेगमेंट एपी क्या है, मीडियन है, इफ़ बी सी इज इक्वल्स टू 18, बी सी की वैल्यू है, लेंथ की वैल्यू है 18, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 260 है, फाइंड ए पी फाइंड करना है, अपने सिरम अप्लाई करेंगे उसको सॉल्व करेंगे। अपने सिरम कब अप्लाई करना है, जब मीडियन दिया हुआ रहता है, मीडियन मिड पॉइंट मैंशन किया जाएगा तब हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर गिवन क्या है आपका, इन ट्राइंगल ए बी सी ए पी इज मीडियन एंड पी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, सो देयरफॉर बी पी इज इक्वल्स टू 9 एंड पी सी इज इक्वल्स टू 9। ये तो गिवन है, बी सी भी गिवन है, बी सी इज इक्वल्स टू 18। अप्लाई करेंगे अपोलोनियस थ्योरम, अप्लाई अपोलोनियस थ्योरम ऑन ट्रायंगल ए बी सी। अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलता है कि जो मीडियन का जो मिड पॉइंट के अपोजिट के जो वर्टेक्स के उसको जो दो साइड जॉइन हो रहे हैं उनका स्क्वायर का सम इक्वल रहता है, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल रहेगा 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ मीडियन प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द सेगमेंट ऑफ हाफ ऑफ द सेगमेंट स्क्वायर ऑफ हाफ स्क्वायर स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द सेगमेंट ऑन विच मिड पॉइंट इज लोकेटेड। तो यहाँ पर बी पी 2 टाइम्स ऑफ बी पी स्क्वायर, तो हमको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, हमको यहाँ पर फाइंड करना है ए पी फाइंड करना है, यहाँ पर वो भी लिख लेते हैं, यहाँ पर ए पी हमको यहाँ पर फाइंड करना है। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, ए बी प्लस बी सी स्क्वायर गिवन है आपको, यहाँ पर ए बी प्लस बी सी स्क्वायर ये है 260 गिवन है, तो 260 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए पी, तो हमको फाइंड करना है एज इट इज़ ए पी स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ बी पी है आपका 9 स्क्वायर।
इंटू नाइन स्क्वायर। तो देखिए अभी क्या होगा, 260 इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ए पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 81। तो अभी 260 माइनस 2 इंटू 81, ये अब डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर। आफ्टर रीअरेंजिंग द टर्म्स ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 260 माइनस 162 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया आपका 260 माइनस 162 98 डिवाइडेड बाई 2। 98 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 4 और 9 49। 49 क्या है, 7 इंटू 7 है, 7 का स्क्वायर है। तो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आपको क्या मिल जाएगा, ए पी इज इक्वल टू प्लस माइनस 7, हमको चाहिए प्लस 7, देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू 7। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 कंप्लीट होता है प्रॉब्लम सेट 2 का, जो पेज नंबर 44 पर है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।